सब्सक्राइब कीजिए इंग्लिश विद जिंदल सर चैनल को और साथ में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद जिंदल सर पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पीबी शैली का इंट्रोडक्शन, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके मेजर वर्क्स के बारे में और वो किस एज से बिलोंग करते थे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीबी शैली जो हैं इनका पूरा नाम था पर्सी विश शैली, ठीक है। बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792 एट फील्ड प्लेस नियर हॉर्शम वेस्ट सुसेक्स इंग्लैंड। इंग्लैंड में वेस्ट सुसेक्स में एक जगह थी फील्ड प्लेस, यहाँ पर इनका 4th of August 1792 में जन्म हुआ। फिर बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में, तो ये 8 जुलाई 1822 में इनकी डेथ हुई थी, 27 days बिफोर हिज 30th बर्थडे, यानी कि कहें कि 30 साल की एज में उनकी डेथ हो गई थी, केवल 27 days बाकी थे उनके अगले बर्थडे में। शैली की जो डेथ हुई थी ड्राउनिंग की वजह से, डूब गए थे ये। एक्चुअली ये इटली से आ रहे थे और गल्फ ऑफ स्पेजिया में क्या हुआ था, एक अचानक से तूफान आ गया था, वहाँ की जो लहरें हैं समुद्र की वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी जो बोट थी, बोट, उस बोट का नाम था डॉन जुआन। ये आपको ध्यान रखना है, बोट का नाम पूछा जा सकता है। तो डॉन जुआन नाम की बोट थी जो गल्फ ऑफ स्पेजिया में अचानक स्टॉर्म आने की वजह से डूब गई थी। और ये कब हुआ था, जब वो रिटर्न कर रहे थे कहाँ से, लेगॉर्न, लेगॉर्न का दूसरा नाम है लेबॉर्नो, और कहाँ पर आ रहे थे, लेरेसी, इन इज सेलिंग बोट डॉन जुआन। ये दोनों ही जगह जो है कहाँ पर हैं, ये इटली में हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब वो सेलिंग करते हुए लौट कर आ रहे थे तो तूफान की वजह से अचानक डूब करके उनकी डेथ हो गई थी। फिर ही वॉज क्रीमेटेड ऑन द बीच नियर वियारेजियो, यही इटली का एक बीच था, उस बीच में इनको क्रीमेटेड किया गया था, यानी कि इनका दाह संस्कार किया गया था। हालांकि ये एक क्रिश्चियन थे, ठीक है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पानी में डूबने से इनकी जो बॉडी थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी थी, वो दफनाने लायक नहीं रही थी, इसलिए वहीं बीच पर इनकी बॉडी को क्या कर दिया गया, क्रीमेटेड किया गया, इनका दाह संस्कार कर दिया गया था। और दाह संस्कार करने के बाद उनकी जो एसेस थी, जो अस्थियां थी, इंटर्ड का मतलब होता है संजो के रखना, ठीक है, एक तरह से कह सकते हैं इसको, यहाँ पर बुरीड, दफनाया गया, ठीक है। इनकी जो एसेज हैं उनको दफनाया गया कहाँ पर, इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम। प्रोटेस्टेंट सेमेट्री क्या है, एक चर्च है जहाँ पर इनका कब्रिस्तान है, वहाँ पर इनको दफनाया गया रोम में। नियर एन एंशियंट पिरामिड इन द सिटी वॉज इन जनवरी 1823 में इनको दफनाया गया था। डेथ हुई थी इनकी 8 जुलाई को 1822 में, लेकिन इनको दफनाया गया था 21 जनवरी 1823 को, यानी कि इनकी डेथ के काफ़ी समय के बाद इनकी जो एसेज हैं उनको दफनाया गया था, ठीक है। 8 जुलाई 1822 को डेथ हुई थी और जनवरी 21 1823 को इनको दफनाया गया, इनको मतलब इनकी जो अस्थियां थी उनको दफनाया गया था, क्योंकि उनको तो क्या किया गया था, बीच पर इनको दाह संस्कार किया गया था। इनके साथ क्या हुआ था कि ये दो और लोग थे उसी बोट में, उनमें से एक थे अ रिटायर्ड नेवल ऑफिसर ई विलियम्स एंड एक बोट बॉय चार्ल्स विवियन, यानी कि जो बोट को हैंडल कर रहा था, बोट को चला रहा था। तो ये तीन लोग थे और तीनों की ही वहाँ पर क्या हुई थी, डेथ हो गई थी। इनकी जो ग्रेव है उस पर क्या है, एक लैटिन इंस्क्रिप्शन है जो लिखा हुआ है कोर कॉर्डियम। कोर कॉर्डियम का मतलब होता है हार्ट ऑफ हार्ट्स, ठीक है। ध्यान रखना है कि कोर कॉर्डियम जो है ये किसकी ग्रेव पर लिखा गया है, या ये कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, या इसका मीनिंग क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जो है नेट के लिहाज से देखे जा सकते हैं, अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है।
आगे बात करते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड की, तो इनके फादर थे, उनका नाम था टिमोथी सैली, अ विग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर हॉशम, ठीक है, ये पार्लियामेंट में एक मेंबर थे इनके पिता, और इनकी माँ थी एलिजाबेथ पिलफोर्ड, जो क्या थे, सुसेक्स लैंड ओनर थी, यानी सुसेक्स में एक ज़मीन थी, उनकी लैंड ओनर थी ये वहाँ पर। और सिबलिंग्स की बात करें तो शैली जो हैं वो एल्डेस्ट सन थे, ठीक है, उनके बाद उनके चार छोटी बहनें और एक छोटा भाई था, यानी कि टोटल छः भाई बहन ये थे, ठीक है। एजुकेशन बैकग्राउंड की बात करें तो पहले तो इनको घर पर ही पढ़ाया गया, घर पर ही इन्होंने ट्यूशन लिया था, ठीक है, और जो ट्यूशन लिया था वो था क्लैरिक इवान एडवर्ड्स नाम के एक ट्यूटर थे, उन्होंने इनको घर पर ही ट्यूशन दिया। उसके बाद 1802 में, यानी कि एट द एज ऑफ 10, 10 साल की एज में ये इंटर हुए किसमें, सियोन हाउस एकेडमी, एक स्कूल का नाम है, यहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया 1802 में, जो कहाँ पर है, ब्रेंटफोर्ड मिडिलसेक्स, ये जगह का नाम है जहाँ पर ये स्कूल जो है स्थित है, ठीक है। फिर 1804 में ईटन कॉलेज में, 1804 में इन्होंने क्या लिया, एडमिशन लिया, ठीक है। और यहाँ पर जो इनका नेचर था, स्वभाव था, एक तो कह सकते हैं एक तो शाई नेचर था इनका, दूसरा ये अपने आप में ही बुने हुए रहते थे, किसी के साथ इनका कोई ज़्यादा कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई इनके फ्रेंड्स नहीं थे, तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे वो इनको मैड सैली कहा करते थे। ध्यान रखना मैड सैली क्यों कहा जाता था, क्योंकि उनका जो नेचर था बहुत ही शाय था, लोगों से वो बात नहीं करते थे, डरे हुए रहते थे, किसी कोई उनके फ्रेंड्स नहीं थे, ठीक है। दूसरा पूछा जा सकता है मैड सैली किस, कहाँ पर उनको नाम दिया गया, ईटन कॉलेज में दिया गया था, ईटन कॉलेज के स्टूडेंट्स जो थे वो उनको मैड सैली के नाम से पुकारते थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने एडमिशन लिया और 10 अप्रैल 1810 में वहाँ से मैट्रिकुलेट हुए, वहाँ से उन्होंने डिग्री हासिल की, लेकिन इसी कॉलेज में से उनको रस्टिकेट भी कर दिया गया था। इन्होंने एक ऐसे लिखा था जो ऐसे था क्रिश्चियनिटी पर कि जो अथेज्म के बारे में इन्होंने लिखा था, द नेसेसिटी ऑफ अथेज्म, इस टाइप से उन्होंने एक ऐसे लिखा था, जिसकी वजह से जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने इनको रस्टिकेट कर दिया, इनके जो व्यूज़ थे धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के, उसकी वजह से इनको वहाँ से रस्टिकेट कर दिया गया। फिर बात करते हैं मैरिड लाइफ की, तो इनकी दो शादियाँ हुई थी, पहली बार तो ये थे कि इनकी शादी हुई थी हैरियट बेस्टब्रुक से, ठीक है, और इनके साथ ये 28 अगस्त 1811 को इलोप्ट का मतलब होता है भाग जाना, यहाँ पर ये इनके साथ भाग गए, घर छोड़ करके इनको भगा कर ले गए, और वहाँ पर इन्होंने अच्छे से गाना गाया, मैं तुझको भगा लाया हूँ तेरे घर से, इस टाइप से गाना गाने लगे 28 अगस्त 1811 में, ठीक है। और वहाँ पर एडिनबर्ग में ये चले गए, और एडिनबर्ग में ही वहाँ पर इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली, ठीक है। इनके दो बच्चे थे, एक का नाम था लैंथी, ये डॉटर थी, और एक है चार्ल्स, जो एक इनका बेटा था जिसकी डेथ हो गई थी 1826 में, ठीक है, 1826 में इसकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ध्यान रखना है आपको ये चीज़ें, ठीक है। और जो हैरियट वेस्टब्रुक हैं, इनके साथ इनकी जो मैरिड लाइफ है वो ज़्यादा अच्छी नहीं चली, 1813 में इनका जो रिश्ता था वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से जो सैली थे उनकी मुलाकात हुई 1814 में मैरी गॉडविन से, ठीक है, ये विलियम गॉडविन की बेटी थी, जो जिनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे सैली, तो मैरी से इनकी मुलाकात हुई, और वहाँ पर इन्होंने उसके साथ ये 30 दिसंबर 1816 को इन्हों वहाँ से भाग गए थे, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब हैरियट जो थी उनके साथ इनका रिलेशन ख़राब हो गया, तो उसके बाद शैली भी क्या है उनसे कई बार कोशिश की उस रिलेशन को सुधारने की, लेकिन बाद में फिर उन्होंने भी हार मान ली और मैरी गॉडविन की तरफ ये अट्रैक्ट हुए, और 1814 में ये मिले थे मई 1814 में, और वहाँ से फिर ये 30 दिसंबर 1816 को भाग गए थे स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। हालांकि इस टाइम से पहले ही मैरी गॉडविन से इनका एक बेटा था जो जन्म ले चुका था, यानी कि इनका बच्चा हो गया था, ठीक है। और मैं जैसे ही हैरियट वेस्टब्रुक की डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1816 को, तो उसके 3 वीक के बाद 30 दिसंबर 1816 को ये वहाँ से क्या हुए थे, भाग गए थे, ध्यान रखना है आपको।
ठीक है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, इतना डीप हमको किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक कह सकते हैं कि कॉमन सेंस के लिए, कॉमन नॉलेज के लिए हमें ये सारी चीज़ें बात पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों, इनकी वाइफ था और इनके साथ इनका रिलेशन था। हैरियट ब्रेस्टब्रुक जो थी, उनकी डेथ भी किससे हुई थी? ड्राउनिंग से, यानी कि इन्होंने सुसाइड कर लिया था, ठीक है, डूब करके। फिर जो मैरी गॉडविन है, उनके साथ भी इनका एक बेटा था जिसका नाम था पी एफ शैली। पी एफ शैली मतलब परसी फ्लोरेंस शैली। फ्लोरेंस इटली का एक शहर था और उसी शहर के नाम पर इन्होंने अपने बेटे का नाम भी फ्लोरेंस रख दिया था, ठीक है। और ये इन्होंने अपनी हाफ सिस्टर क्लेयर क्लेयरमोंट के कहने पर ये नाम रखा था, और उन्हीं के साथ ये स्विट्जरलैंड गई थी। स्विट्जरलैंड में इनके साथ लॉर्ड बायरन और इनकी हाफ सिस्टर क्लेयर क्लेयरमोंट और शैली, ये चार लोग वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर इन्होंने काफ़ी अच्छा वक्त बिताया, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आए। बायरन और शैली दोनों काफ़ी अच्छे मित्र बन गए थे वहाँ पर जाकर के, ठीक है। तो उसके बारे में भी उन्होंने एक वो लिखी थी पोइट्री, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की। तो देखिए, जब ये कॉलेज में इन्होंने वहाँ पर मैट्रिकुलेट हुए थे, तो उन्होंने अपना पहला जो वर्क था वो लिखा था जेस्ट्रोजी। ये एक वाइल्ड गॉथिक रोमांस है, ठीक है, गॉथिक नोवेल है ये, ठीक है, और ये 1810 में लिखा गया था। और दूसरा था सर इरवाइन और दी रॉसी क्रूशियन 1811। ये दोनों क्या हैं, और लगने का मतलब है इन दोनों नामों से इनको जाना जाता था, और ये 1811 में लिखा गया था। फिर बात करते हैं पोइट्री की। तो पोइट्री की भी शुरुआत इनकी काफ़ी समय पहले ही हो गई थी। 1810 में इनकी पोइट्री का पहला वॉल्यूम आया था, ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायर 1810। उसके बाद अ डेविल्स वॉक, अ वैलेड 1812, क्वीन में फिलोसफिकल पोएम 1830। तो इनका जो मेजर, जो सबसे पहले नोटेबल वर्क था वो था क्वीन में। इससे इनको थोड़ी पहचान मिलने लगी, इससे पहले इनको इतना कोई फेम नहीं मिला इनके वर्क्स की वजह से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट है हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, लाउन एंड सिथना 1817, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1817। देखिए, लाउन जो सिथना है, इसी को वापस से रिवाइज करके इन्होंने रिवोल्ट ऑफ इस्लाम के नाम से पब्लिश करवाया था। फिर है हिस्ट्री ऑफ ए 6 वीक्स टूर। देखिए, ये हिस्ट्री ऑफ 6 वीक्स टूर जो है, ये इन्होंने स्विट्जरलैंड में लिखा था, और ये जो 6 वीक्स टूर है, ये जो बायरन, ठीक है, मैरी और जो इनकी हाफ सिस्टर थी जिसका नाम था क्लेयर क्लेयरमोंट, उनके साथ की गई यात्रा के बारे में था, ठीक है। ये 1817 में लिखा गया था। इसमें कोलोब्रेशन है मैरी शैली का, साथ में मैरी शैली ने भी इसमें काफ़ी हेल्प की पीवी शैली की इसको लिखने में, ठीक है। फिर है ऑजीमेंडियास 1818। फिर है रोजालिन एंड हेलेन इन मॉडर्न एक्लॉग 1819 में ये लिखा गया था। नेक्स्ट है ओ टू द वेस्ट विंड 1819। ओ टू द वेस्ट विंड जो है, इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइम मानी जाती है, और इसमें इनका रेवोल्यूशनरी जो बिहेवियर है वो देखने को मिलता है। और ये जो पॉइम थी, इनका एक लिरिकल ड्रामा है प्रोमीथियस अनबाउंड, जो 1820 में पब्लिश हुआ था, उसमें इस पॉइम को लिखा गया है। पॉइम के इंट्रोडक्शन जब हम करेंगे तो उसमें और अच्छे से इसको पढ़ेंगे। फिर है द मास्क ऑफ अनार्की। ये पॉलिटिकल वर्क बोल सकते हैं इसको, वहाँ की राजनीति से रिलेटेड था इंग्लैंड की, ठीक है। जूलियन एंड मेडालो एक कन्वर्सेशन, ये 1819 में। जूलियन जो है यहाँ पर शैली अपने आप को बोलते हैं, एंड मेडालो जो है वो बायरन को बोलते हैं, यानी बायरन और शैली के बीच में जो कन्वर्सेशन है उसको इन्होंने इस पॉइंट के थ्रू एक्सप्रेस किया। फिर है टू ए स्काई लार्क 1820, द क्लाउड 1820, द विच ऑफ एटलस 1824 पोस्टमसली, यानी कि ये इनकी डेथ के बाद पब्लिश हुई थी, ठीक है। फिर है नेक्स्ट एपिस फिजिडियन 1821, द ट्रुम्प ऑफ लाइफ अ फ्रेगमेंट 1822 में ये लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1824 में। ध्यान में, फ्रेगमेंट का मतलब होता है अनफिनिश्ड वर्क, जो पूरा ही नहीं हुआ हो, जो अधूरा रह गया हो किसी कारणवश। तो उनका जो कारण था अधूरा रहने का, वो क्या था, 1822 में इनकी डेथ हो जाना, यानी कि जब डेथ हुई थी उस समय पर ये इसको लिख रहे थे, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाया। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क जो है, वो है एडोनाइस। ये 1821 में लिखा गया था। ये एक एलिजी है जो कि जॉन कीट्स की डेथ पर शैली ने लिखी थी। तो ध्यान रखना है, ये आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है।
फिर है इन्होंने कुछ ऐसे लिखे जो मैंने अभी बताया, द नेसेसिटी ऑफ एथेंस 1811 में, और इसकी वजह से इन्हें कॉलेज से क्या कर दिया गया था, रेस्टिकेट कर दिया गया था। फिर है पॉलिटिकल एसेज ऑन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स 1811, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स 1812, अ डिफेंस ऑफ पोइट्री 1821 जो पब्लिश हुआ था 1840 में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनका ऐसे है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर है एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल, एन एड्रेस टू द आयरिश पीपल 1812 में, अ रेप्यूटेशन ऑफ डिज़ाइन ये 1814 में। ये इनके कुछ मेजर एसेज थे, ठीक है। फिर इन्होंने कुछ प्लेज भी लिखे थे, जिनमें इनका एक प्ले है सेंसी, ये एक ट्रेजिडी है, वर्स ड्रामा है, जो 5 एक्ट में लिखी गई है, 1819 में ये पब्लिश हुई थी। दूसरा जो इनका है प्रोमिथीसियस अनबाउंड, जिसमें हमारी पोइम ओड टू वेस्टविंड जो है पब्लिश हुई है, तो ये प्रोमिथीसियस अनबाउंड जो है एक लिरिकल ड्रामा है, और ये 4 एक्ट का ड्रामा है, 1820 में ये पब्लिश हुआ था। फिर है ऑडिपस टेरेनस और स्वेल फुट द टायरेंट, अ ट्रेजिडी इन 2 एक्ट्स, ये 2 एक्ट की ट्रेजिडी है, 1820 में इसको पब्लिश किया गया था। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हम शैली के बारे में देखेंगे, कि अपॉन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ सैलीज डेथ, जब सैली की डेथ की न्यूज़ मिली किसको, बायरन को, तो बायरन ने उसके बारे में कहा कि आई नेवर मेट अ मैन हु वॉज नॉट अ बीस्ट इन कंपेरिजन टू हिम। ये कोटेशन आपको याद रखनी है, कई बार कोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि ये कोटेशन किसने किसके लिए यूज की है, ठीक है, इस टाइप से। अ पॉइट इज ए नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस, ये सैली ने अपने लिए एक लाइन कही है, अ पॉइट इज ए नाइटिंगेल हु सिट्स इन डार्कनेस, और ये जो लाइन है उनका एक ऐसे था द डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। फिर है द एम ऑफ पोइट्री इज टू अवेकन पब्लिक होप एंड एनलाइटन मैनकाइंड, ये भी पी वी शैली का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है पोइट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये कोटेशन हमको जरूर अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, पोइट्स आर अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। सैली मेड दीज स्टेटमेंट्स इन हिज एसे, सैली मेड दीज स्टेटमेंट्स इन हिज एसे द डिफेंस ऑफ पोइट्री, दिस एसे वॉज रिटन इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पीकॉक्स 4 एजेस ऑफ पोइट्री। थॉमस लव पीकॉक की एक वॉल्यूम था पोइट्री का 4 एजेस ऑफ पोइट्री, इसके रिस्पॉन्स में उन्होंने इस एसे को लिखा था। सैली ने कहा था कीट के बारे में अपनी एक एलिजी में, एडोनिस में, कि कीट्स इज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनाउन, कीट्स इज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रेनाउन, ये एडोनिस में उन एक एलिजी जो जॉन कीट्स की डेथ पर सैली ने लिखी थी उस पर इन्होंने ये कमेंट किया है। सैली वॉज ए चैम्पियन ऑफ लव एंड लिबर्टी, ही वॉज अ ड्रीमर एंड आइडियलिस्ट एंड अ रिवोल्यूशनरी पोइट, शैली जो हैं वॉज अ चैम्पियन ऑफ लव एंड लिबर्टी, ही वॉज अ ड्रीमर एंड आइडियलिस्ट एंड अ रेवोल्यूशनरी पोएट, ठीक है। ये शैली के बारे में एक स्टेटमेंट है कि शैली जो है वो चैम्पियन है किसमें, लव एंड लिबर्टी में, और वो एक ड्रीमर हैं एंड आइडियलिस्ट एंड ए रेवोल्यूशनरी पोएट, ठीक है। और ये रेवोल्यूशनरी पोएट जो है, जब इनकी पोएम आई थी ओड टू वेस्टविंड, इसकी वजह से इनको रेवोल्यूशनरी पोएट का एक दर्जा मिला। सैली वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द थॉट ऑफ रूसो एंड गॉडविन, रूसो और गॉडविन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे। रूसो ने एक लाइन कही थी कि मैन इज बॉर्न फ्री बट बाउंड इन चेन्स एवरीवेयर, कि एक इंसान जो है वो पैदा तो स्वतंत्र हुआ है लेकिन वो हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है, ये रूसो का स्टेटमेंट था। पी वी शैली बिलोंग टू लेटर जनरेशन ऑफ रोमेंटिक पोइट्स, रोमेंटिक पोइट जो थे उनमें सेकंड जनरेशन पोइट में इनको माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन जो पोइट थे वो थे कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ, एंड सेकंड जनरेशन जो पोइट है उनमें है बायरन, कीट्स एंड सैली, ठीक है। तो शैली को सेकंड जनरेशन पोइट माना जाता है। रोमांटिक एज जो है वो मैंने आपको विलियम वर्ड्स वाले में और जॉन कीट्स वाले में बताया था कि रोमांटिक एज 1798 से 1832 के बीच का जो टाइम है वो रोमांटिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर
जो रोमांटिक पोइट हैं इसमें देखिए कि द वर्ड रोमांटिसिज्म वाज फर्स्ट यूज इन लिटरेचर बाय स्लीगल, अ जर्मन फिलोसोफर। स्लीगल एक जर्मन फिलोसोफर थे और इन्होंने लिटरेचर में सबसे पहले रोमांटिसिज्म वर्ड का यूज किया था। विक्टर ह्यूगो डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज ह्यूमनिज्म, और विक्टर ह्यूगो ने रोमांटिसिज्म को ह्यूमनिज्म के रूप में परिभाषित किया। सेकेंड जनरेशन रोमांटिक पोइट बायरन, कीट्स एंड शेली। ठीक है, फिर अब कुछ फेमस लाइन हैं जो शेली ने अपनी पोइट्री में, ड्रामा में या उनके ऐसे में यूज़ किए हैं, तो उनमें से कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड कर दिए, एक बार देख लेते हैं। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट, कि हमारे सबसे अच्छे गाने तो वो हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा दुखी विचारों को व्यक्त करें। तो ये टू ए स्काई लार्क जो पोएम है उनकी, उसमें इन्होंने लाइन लिखी है। ये जो लाइन है ये अपने आप में ही एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, फिर है ओ विंड इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग वी फार बिहाइंड, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और हमारी पोएम ओ टू द वेस्ट विंड में से ये लाइन ली गई है और ये लास्ट लाइन है हमारी पोएम की और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नो मोर लेट लाइफ डिवाइड वॉट डेथ कैन जॉइन टूगेदर, ये एडोनिस में इन्होंने लिखा था। ठीक है, फियर नॉट फॉर द फ्यूचर, बीप नॉट फॉर द पास्ट, क्वीन मैब में इन्होंने लाइन लिखी थी कि भविष्य का सोच करके डरो मत और पास्ट का सोच करके रो मत, यानी कि जो हो गया उसे भूल जाओ और जो होने वाला उसकी चिंता मत करो। फिर है आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, ये इनकी एक पोएम थी द क्लाउड, उसमें इन्होंने लिखा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। इनका फिर एक और वर्क आता है लिबरल, द लिबरल के नाम से एक जर्नल। ये क्या है, एक जर्नल है जो पीवी शैली के द्वारा सेट किया गया था, लिखा गया था 1821-22 के बीच में, जिसमें वायरन एंड ले हंट जो थे वो इनके सपोर्टर्स थे और ले हंट जो थे इसके मेन एडिटर थे, उन्होंने इस जर्नल को एडिट किया था और पब्लिश करवाया था। अब बात आती है कि इनकी जो ग्रेव है, उनका जो कह सकते हैं कि उनका जो कब्र है उस पर जो ग्रेव स्टोन लगा हुआ है उस पर एक इंस्क्रिप्शन है, और वो इंस्क्रिप्शन क्या है, नथिंग ऑफ हिम दैट दथ फेड बट दथ सफर अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। ये जो लाइन है इनकी ग्रेव पर इंस्क्राइब्ड की गई है और ये एक एरियल सॉन्ग है जो विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट, एक जो इनका प्ले है वहाँ से इस लाइन को बोरो किया गया है और ये लाइन इनकी ग्रेव पर इंस्क्राइब्ड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पीवी शैली का जो है वो कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाता है, उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उनके बारे में जितने भी स्टेटमेंट हैं वो हम यहाँ पर देख लिए। तो ध्यान रखना है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे वो गॉडविन एंड रूसो से थे, और उनके कॉन्टेक्ट में जो ज़्यादातर पॉइंट्स थे उनमें थे ले हंट, बायरन। ठीक है, और ये इनके काफ़ी ज़्यादा घनिष्ठ थे, काफ़ी ज़्यादा नज़दीकी फ्रेंड थे। ठीक है, और इनके मेजर वर्क्स को याद करना है किस, और ओड टू वेस्ट विंड की जो हमारी वीडियो होगी वो उसमें हम उनके उस पोएम के बारे में, उस पोएम के बैकग्राउंड के बारे में और उसकी जो एक्सप्लेनेशन उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन आप पढ़ते रहिए और चीज़ों को अपने नोट्स बनाते रहिए, लिखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, सी यू।